मैडम इसमें पुलिस का सब मेल जोल है, जितना भी पुलिस है सब अंदर के जो ड्यूटी करते हैं उन लोग का मिला जुला रहता है, वो लोग ही लेके जाते हैं, वो लोग खुद अपनी ड्यूटी करते हैं अपने सही से, वो लोग तो सोए रहते हैं टावर पे भी सोए रहते हैं। ये भी और यहाँ से किसी भी तरह का सामान नहीं फेंका जाता है, जेल प्रशासन के लोग ही सामान लेकर जाते हैं, उनके सिपाही जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हम मौजूद हैं बेउर इलाके में और आप सबको पता होगा कि बेउर जेल से सटे 40 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसकी जानकारी कारा प्रशासन ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर दिया है और यह कार्रवाई जो है जेल मैनुअल के तहत किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बात से ये लोग कितना सहमत हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरह से जो जेल आईजी जो मिथिलेश मिश्रा हैं उन्होंने बात की पुष्टि भी की है कि जिस तरह से आए दिन हमें शिकायत सुनने के लिए जो मिलता था कि जो बेउर जेल से सटे जो मकान हैं उसमें से आपत्तिजनक सामान जो हैं वो फेंके जाते हैं, जिसे कैदी के साथ साथ सुरक्षाकर्मी जो हैं उनको भी जान का खतरा रहता है। हमारे साथ बेउर जेल के स्थानीय लोग हैं और इनसे जानते हैं कि सर जिस तरह से आप सब लोग पेपर भी पढ़े होंगे और इस बात की भी जानकारी भी दी गई है कि बेउर जेल से सटे 40 मकानों को जो है वो तोड़ने का आदेश जो है कारा प्रशासन की तरफ से दिया, जो नगर आयुक्त को पत्र लेकर के दिया गया है, कि इस बात से कितना सहमत है सर? ये बात जिस समय से हम मकान बनाए रजिस्ट्री कराए बेउर पेपर में तो दिए हुए कि यह जेल का जमीन है, लेकिन ऑलरेडी तो इसको एक्वायरमेंट किया गया नहीं, और हम रजिस्ट्री कराए अंचलाधिकारी के यहाँ से मोटेशन कराए, मोटेशन का नकल लिए तो उसका भी तो ये थी है मेरे पास, प्लस मकान बनाए तो रेवेन्यू हम नगर निगम को इसका टैक्स भी दे रहे हैं, यही सब बात है। ये भी और यहाँ से किसी भी तरह का सामान नहीं फेंका जाता है, जेल प्रशासन के लोग ही सामान लेकर जाते हैं, उनके सिपाही जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। जी हाँ, अगर जेल प्रशासन सही हो जाए तो एक भी सुई नहीं जाएगा यहाँ जेल के अंदर, यही बात है। तो आदेश जारी कर दिया गया है सर, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के काम जो है वो ठीक है? आदेश तो जारी कर दिया गया, तो ये तो अभी आप पेपर में देखते होंगे कि से बाईपास से रोड के लिए कितना गड्ढा है, कितना आने जाने में आपको भी तकलीफ हुआ होगा, उसको भी तो देख रहे हैं, भुटको के अंतर्गत एलएनटी काम कर रही है, ये सब भी बात तो देख ही रहे हैं आप। तो आदेश जारी कर दिया गया तो हमको नोटिस दे, हमको मुआवजा दे, तो भैया उसके बाद ना कुछ होगा, नहीं तो हम इन सरकार के खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ऐसे आदेश जारी करने से तो हमारा मकान नहीं ना तोड़ देंगे, हमारा जमीन को एक्वायरमेंट करेंगे तब ही ना तोड़ देंगे। आपका तो ये मकान जो आपका है वो और जेल से एकदम सटे ही है, तो आपको इससे कितना खतरा है सर? हमको किसी तरह का खतरा नहीं है, जेल से हमको क्या खतरा है, जेल से हमको किसी तरह का खतरा नहीं है, जेल का कैदी हमसे रहता है बहुत दूर, इस 3 बाउंड्री के अंदर में जेल से कैदी रहता है, और कैदी से हमारा मकान जो है सो बहुत दूरी पर है, जो कि कोई भी चीज़ फेंका जाएगा तो वहाँ तक ले कैदी के पास नहीं पहुँचेगा, ये सब सेटलमेंट रहता है मैडम, जो कि से यहाँ से अगर कोई भी फेंकता भी है किसी जगह से, सिपाही लोग उसको लेके ही जाते हैं दूसरे जगह कैदी के पास, या गेट के द्वारा ही कैदी लेके जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार। तो जो जिनका मकान है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे जो अभी आदेश जो जारी किया गया है कारा प्रशासन ने नगर आयुक्त को बाजाब्ता पत्र लिख करके भी ये चीज़ बताए हैं, क्या इस बात से कितना सहमत है सर? इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, कहे कि जो प्रशासन काम कर सकता था कि अंदर से वहीं पर गेट पर ही बढ़िया से चेकिंग करे, चाहे वैसे अधिकारियों का नियुक्ति करे जो ईमानदारी से इस काम को करें, तो जेल में कोई भी सामान जा ही नहीं सकता है, और बाहर से तो हम यहाँ देखते हैं कम से कम 12-13 घंटा हम यहाँ दुकान में रहते हैं, यहाँ इस आसपास इलाके से सामान अंदर नहीं जाता है, जो भी है सो गेट के पास से ही जाता होगा। सर क्या सर? सब उसमें मैडम इसमें पुलिस का सब मेल जोल है, जितना भी पुलिस है सब अंदर के जो ड्यूटी करते हैं उन लोग का मिला जुला रहता है,
वो लोग ही लेके जाते हैं, वो लोग खुद अपनी ड्यूटी करते हैं अपने सही से, वो लोग तो सोए रहते हैं, टावर पे भी सोए रहते हैं, कोई जगह हुआ रहता है, यहाँ से बर्दे भी खोल करके, इवन बर्दे खोल करके और सो जाते हैं टावर पे। आप यदि देखिएगा छत से तो देख सकते हैं आप जा करके, मैक्सिमम पुलिस होंगे तो वो सोए रहेंगे, कोई मोबाइल में लगे रहे, कोई सोए रहेंगे। तो ये सब इन लोग का मिला जुला सब रहता है अंदर से, नहीं तो यदि प्रशासन चाहेगा तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ये सब अंदर से इन लोग के जो स्टाफ हैं वो सब मिले जुले रहते हैं, पैसा देता है, पैसा वो लोग कैदी पैसा देता है, पैसे पे ही लोग जा करके उनका सामान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो जो हमने बेगूर निवासियों से जो बात करने की कोशिश की, इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि जिस तरह से प्रशासन जो हम लोग के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने खुद गिड़वान में झाकर देख लें। कहना है मैडम कि जब बेउर 2012 का मैनुअल तैयार हुआ तो 12 के बाद 13 में एक्वायरमेंट जमीन को कर लेना चाहिए था, तो एक्वायरमेंट तो उन्होंने किया नहीं। हम 18 में रजिस्ट्री किया, 19 से बनाना हम चालू किए, तो हमको जेल प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? नहीं रोका उस समय, यदि वैसे ही था तो उनको रोकना चाहिए था। और 3200 एक्वायरमेंट का PRD से नक्शा पास कर, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है सर, क्यों ऐसे आप आके क्या कारण? जानबूझ के लोगों को तंग करने का व्यू है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए, और क्या है, प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बातें हैं जो इन्होंने बताई वो साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग का कहना है कि अगर हम लोग घर 2019 में बना रहे थे तो जब उस समय सर प्रशासन कहाँ सोई हुई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो जेल है वो हमारे मकान से काफ़ी दूर है, जब तक कि उसमें सिपाही नहीं अगर संलिप्त रहते हैं तब तक कुछ कहना असंभव है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो बेउर जेल से सटे 40 मकान टूटेंगे, आगे क्या कुछ जो है वो मोड़ लेता है, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस क्षण बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नमस्कार।